दीपेंद्र हुड्डा जी आई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर जो राज्यसभा ने कल अमेंडमेंट्स पारित किए उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है। फाइनेंस बिल, इस वर्ष का खास तौर पे फाइनेंस बिल बहुत चर्चा का विषय, बहुत बहस का विषय पूरे देश में बना है और एक बहुत वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म चाहे मीडिया में हो, चाहे सिविल सोसाइटी में हो और पार्लियामेंट के अंदर चाहे बहस में, जिस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इस फाइनेंस बिल को और फाइनेंस बिल के माध्यम से चार अलग अलग जो बिल, जो एक्ट, उनमें अमेंडमेंट लाई गई है, उनको एक तरीके से फाइनेंस बिल के अंदर छुपा के फाइनेंस बिल में शामिल करके पारित की गई, मनी बिल और फाइनेंस बिल के रास्ते का सहारा लिया गया, जिससे राज्यसभा के अधिकारों पे भी कहीं ना कहीं प्रहार हुआ। और यही कारण है कि राज्यसभा ने ये, मैं समझता हूँ, एक ऐतिहासिक चर्चा भी हो रही है, क्योंकि राज्यसभा ने फाइनेंस बिल पे मुझे नहीं याद, मैं पिछले 12-13 साल से इस सदन में हूँ, फाइनेंस बिल पे राज्यसभा ने इस तरह की अमेंडमेंट पारित की और वापस हमें चर्चा करना अपने सदन में पड़ा हो, मैं समझता हूँ पहली बार मेरी याददाश्त में इस तरह का वाक्य हुआ है। तो ये जो सारी बातें, इन पे हम, मैं समझता हूँ ये जो इन पे कई बातों पे आज हम उम्मीद करेंगे वित्त मंत्री जवाब देंगे। सबसे पहली मैं 4-5 विषय उठाना चाहता हूँ, वित्त मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार और वित्त मंत्री जी आदरणीय मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। पहली बात, हमने उस समय भी ये प्रश्न उठाया था कि ये कैसी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है, 40 के करीब एक्ट आप अमेंड कर रहे हैं और ये मनी बिल की, फाइनेंस बिल की परिभाषा में आता है कि नहीं आता, आपके समक्ष ये प्रश्न रखा गया था। हम चाह रहे थे इसमें इतने वाइड स्पेक, इतने बड़े पैमाने पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से लेके ट्रिब्यूनल से लेके बदलाव आए थे, हम चाह रहे थे कि अलग अलग लेजिस्लेशन आए जिसपे चर्चा ये सदन करे, मगर आर्टिकल 110, संविधान की आर्टिकल 110 का सहारा लिया गया और आर्टिकल 110 जो संविधान की है उसपे जो कहा गया है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स एंड देन देर आर सब सेक्शन ए टू एफ वी डील विद टैक्सेशन, डील विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अप्रोप्रिएशन एक्सेट्रा एंड सेक्शन जी डील्स विद एंड द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन डील इज एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड ऑन द क्लॉज ए टू एफ इंसिडेंटल। आज पूरे देश में इंसिडेंटल की परिभाषा पे एक बड़ा बहस छिड़ गया है कि इंसिडेंटल क्या होता है। ये बात सही है, संविधान ने आपको आखिरी अधिकार दिया है फैसला करने का कि क्या चीज इंसिडेंटल है और क्या चीज नहीं है, मैंने उस दिन भी ये बात उठाई थी। मगर मैं इसमें एक चीज और आज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, संविधान की जो हिंदी की प्रति है उसमें कौन सा शब्द यूज किया गया, वहां इंसिडेंटल नहीं, उसमें और भी स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमें गर्व है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके अंदर मैं समझता हूँ अंग्रेजी से भी ज्यादा जो है स्पष्ट शब्दों की का उपयोग हिंदी के माध्यम से किया जा सकता है और ये हुआ है। हिंदी के अंदर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये जो आर्टिकल 110 सब सेक्शन जी, उसके अंतर्गत कहा गया है कि उपखंड क से उपखंड च में विनिदृष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय, आनुषंगिक का क्या अर्थ है, आनुषंगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया घटे। तो यानी कि जो टैक्सेशन से रिलेटेड, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो सारे विषय हैं उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए और उनसे कोई बात अगर घटे, कोई ऐसा विषय हो तो उसको मनी बिल में लाया जा सकता है। मगर जहां तक इलेक्टोरल फंडिंग की बात है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है, वो कोई हम टैक्सेशन नहीं लगाना चाह रहे देश पे, कोई टैक्स उससे देश ये सरकार कलेक्ट नहीं करेगी, वो कंटिजेंसी इंडिया से कोई बजट का प्रावधान भी नहीं हो रहा, वो केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको इश्यू करेगा, बॉन्ड्स को इश्यू करेगा, कंपनियां उन बॉन्ड्स को खरीदेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देंगी बॉन्ड्स के रूप में।
ये कहीं भी टैक्सेशन से या बजट से, कंसोलिडेटेड फंड से, अप्रोप्रिएशन से घटित ये एक या उससे जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है। ये तो केवल बैंक में एक बैंकिंग प्रक्रिया, ये तो वो बात हो गई कि अगर हम जो है अपना कोई बैंक अकाउंट खोलेगा वो भी मनी बिल के अंदर आएगा, तो मैं समझता हूं केवल बैंक उसमें उस क्रिया को पूरा करने में पूरक का काम कर रहे हैं। मगर कोई जो भावना है, इस शब्द की भावना आप समझे अध्यक्ष महोदय, एक बार दोबारा से हम आपसे आग्रह करेंगे और वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, सरकार भी नरम पड़े। इस इंसिडेंटल की परिभाषा, इतनी बड़ी परिभाषा जो बताई जा रही है, उस बात पे, उस विषय पे नरम पड़े। दूसरी बात है, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं, मनी बिल है कि नहीं, वो एक बात है। दूसरी बात है, प्रैक्टिस अच्छी है कि नहीं। 40 एक्ट अमेंडमेंट एक फाइनेंस बिल के माध्यम से ट्रिब्यूनल्स मर्ज, बहुत से ट्रिब्यूनल्स मर्ज किए गए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव किया गया, आईटी एक्ट में वाइड स्पीकिंग बदलाव किए गए हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं? और उससे साथ साथ जुड़ी हुई बात है आर्टिकल 80 राज्यसभा। कल मोहिली जी ने सही प्रश्न उठाया कि अगर ये राज्यसभा, ये इंसिडेंटल की परिभाषा के तले राज्यसभा को दबाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं राज्यसभा भी इंसिडेंटल हो गया है हमारे देश में। पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 80 भी इंसिडेंटल हो गया, कि आर्टिकल 80 की भावना आर्टिकल 81 जो लोकसभा का गठित संविधान में आर्टिकल 81 से हुआ था, आर्टिकल 80 पहले आया था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों से, प्रदेशों से आवाजें हमारी देश की नीतियां बनाने में, हमारे देश की जो है कानून संविधान बनाने में, वो आवाजें भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आर्टिकल 80 की भावना का भी जो है इस सरकार ने ध्यान नहीं रखा है, तो इन बातों को दोबारा से कंसीडर करें। अब प्रश्न आता है जो अमेंडमेंट्स हुए राज्यसभा में, जो प्रश्न आता है, पहला अमेंडमेंट दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक अमेंडमेंट मूव किया, वो टैक्स टेररिज्म से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है। मैं पहले भी उसके बारे में बोल चुका हूं, उस पे जो अमेंडमेंट सरकार लेके आई, एक ड्रेकोनियन, एक बहुत आर्टिकल 132 इनकम टैक्स एक्ट, आर्टिकल 132 इनकम टैक्स एक्ट में, मैं वो पढ़ना चाहूंगा वर्बेटिम जो अमेंडमेंट सरकार लेके आई। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट द रीजन टू बिलीव एज रिकॉर्डेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर द सबसेक्शन शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी और द एपेलेट ट्रिब्यूनल। यानी क्या है ये अमेंडमेंट की क्या भावना है? इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल है वो अगर कहीं सर्च, सीजर या रेड का पे कार्रवाई करते हैं तो फाइल पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, केवल वो अपनी मनमर्जी से करने ना करने दिया जाए। एक चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे जो है इस कानून के अंदर रखे गए थे, और वो उस व्यक्ति को भी बताएं, और अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो कोर्ट में जा सकता है, ट्रिब्यूनल में जा सकता है, और वो न्यायपालिका के सामने भी इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को बताना पड़ेगा कि किस आधार पे सर्च, सीजर, रेड किया गया। इसको आपने निरस्त करने का काम किया, और रेट्रोस्पेक्टिवली 1962 से सब सेक्शन एक में और सब सेक्शन 1A में 1975 से आपने ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आए, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत, हम इसका पुरजोर दोबारा विरोध करते हैं। जो राज्यसभा से जो अमेंडमेंट आई है उसको ये हाउस कंसीडर करे, उस अमेंडमेंट को ये हाउस पारित करे, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइल पे होना चाहिए। एक वेल सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है, देर हैज टू बी समथिंग ऑब्जेक्टिव ऑन द फाइल, देन एनी सब्जेक्टिव डिसीजन कैन बी टेकन बाय द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, बट विदाउट हैविंग एनीथिंग ऑन द फाइल यू कैनॉट गिव अ ब्लैंक चेक टू द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स टू वॉक इन टू द डोर स्टेप्स ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्ट सर्च, सीजर एंड रेड एंड हैविंग नो अकाउंटेबिलिटी। आप चलिए हम ये मानते हैं आप उस व्यक्ति को ना बताइए, मगर कल को वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है कि मेरे को बिना बात के परेशान कर रहे हैं, आप कोर्ट में भी चाह रहे हैं कि आपको इस बात ब्लैंकेट चेक, आपका कोर्ट में भी ये जानकारी ना, तो ये जो आपका अमेंडमेंट है हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं, इस अमेंडमेंट को आप वापस लीजिए। दूसरा सीताराम येचुरी जी ने भी वहां पे अमेंडमेंट मूव किए इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर, ये भी एक बहुत मैं समझता हूं कि गंभीर विषय। क्या कारण है कि पिछले 3-4 दिनों के अगर हम जितने भी एडिटोरियल देखे हमारे अखबारों में, मिंट के अंदर एडिटोरियल आया बॉडी ब्लो फॉर पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, आज का एडिटोरियल, बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल कल का अंडरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, जो एक पारदर्शिता की बात,
राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को लेकर पारदर्शिता की बात की गई थी, और मैं भी जब वित्त मंत्री जी अपना जो है बजट की स्पीच दे रहे थे, जब आपने कहा था एक आदर्शवादी होने के नाते, मैंने भी जब आपकी बजट की स्पीच सुनी, भाषण सुना, वक्तव्य सुना, तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है। 20,000 से आप घटाने का काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मगर क्या हुआ, आखिरी मिनट पे दो अमेंडमेंट आप लेके आए, आखिरी मिनट में दो अमेंडमेंट लेके आए, जिस उन अमेंडमेंट के माध्यम से आपने क्या किया, और उन्हीं को निरस्त, सीताराम येचुरी जी के अमेंडमेंट ने कहा उन्हीं को निरस्त करने का काम किया। पहला अमेंडमेंट आप लेके आए कि एक हमारे समय में कानून बना था, कोई कंपनी पिछले 3 साल का जो उनका प्रॉफिट है उसका 7.5% से ज्यादा किसी को चंदे में नहीं दे सकती राजनीतिक पार्टी। आपने बदल दिया, निरस्त कर दिया। अब कोई कंपनी अपने पूरा का पूरा जितना भी उसको मुनाफा हुआ है वो पूरा का पूरा भी किसी राजनीतिक दल को चंदे में दे सकता है, ये आपने निरस्त कर दिया। दूसरे में आपने कहा था कि अनोनिमस, ये 20,000 से जो नीचे का कैप लगाया हुआ है उसके नीचे अनोनिमस नाम डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको घटा के आपने 2,000 किया। खैर वो भी मैं समझता हूँ कि आज उस पर भी ये चर्चा हो रही है कि वो 20,000 से 2,000 करने का कोई जो है लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बचेगा, एक की बजाय 10 नाम देने पड़ेंगे इत्यादि। मगर वो भावना ये थी कि अनोनिमस फंडिंग पे कुछ रोक लगे, आपने वहां तो किया, मगर दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया, ये सबसे बड़ा विषय, गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। अब किसी भी कंपनी को ये जो है इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स के माध्यम से, अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है, ये बहुत गंभीर विषय है, बोलने तो उतने ऊपरता ही बोलना है ना। नहीं, ये उस अमेंडमेंट पे ही बोल रहे हैं, हम अमेंडमेंट पे बोल रहे हैं। कोई अगर कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है तो आपने प्रावधान कर दिया कि उसको अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है किसको कितना दिया, और ना पॉलिटिकल पार्टी को बताने की आवश्यकता कि किसे कितना चंदा मिला। यानी कि आपने ये जो पारदर्शिता की बजाय आपने पर्दा ढकने का काम किया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी कितना चंदा किस पार्टी को दे रही है, कौन सी, ये एक बहुत गंभीर विषय है। देर इज नो नीड टू डिक्लेयर फ्रॉम एनी कंपनी हाउ मच डोनेशंस दे आर गिविंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड देर इज ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज दे डोंट इवन हैव टू, सो देर इज अ कंप्लीट ओपेसिटी दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर यू नो पीस ऑफ अमेंडमेंट विच यू ब्रॉट इन एट द वेरी लास्ट मिनट। मैं गंभीर इसलिए मानता हूं कि देखिए, दो ही तरह के लोग अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको देना चाहेंगे, या तो वो शेल कंपनीज रहेंगी कि पूरा प्रॉफिट कौन अपना है, जो है ये कैप को खत्म करने के पीछे क्या भावना है, या फिर जो पहला प्रोविजन था कि भाई डंडा आपके हाथ में, इनकम टैक्स बिना कारण के किसी कंपनी के दफ्तर में पहुंच जाएगा, और कारण बताने का जो प्रावधान था उसको आपने निरस्त कर दिया, तो एक तरीके से ये तो मैं समझता हूं इसको तो पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन के दरवाजे खोलने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसको आपको बड़ा जो है सोच समझ के, क्योंकि ये जो प्रोविजन है इसको मैं कहना चाहता हूं, इसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। माननीय राम नाम जपना कंपनी का माल अपना, जय श्री राम बोलते आए थे, अब लक्ष्मी मां की जा कह रहे हैं, इनको आपको इनको जो है, और हमारी मांग है, अपना हमारी मांग है, हम पारदर्शिता चाहते हैं। ये मौका है आपके पास, ये मौका है आपके पास, इसमें हमारी मांग है कि नया बिल आए, ये ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग बिल के नाम से, और इन बातों पे, इन विषयों पे गंभीरता से विषय हो, हम इनकी नियत पे शंका नहीं कर रहे, मगर ये जिस तरीके से किया गया है उसको लेके पूरे देश में बहुत सी शंकाएं। एक और जो विषय पूरा देश में गंभीर चर्चा का कारण बना है वो है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो नंबर लिंक करने की बात है, उस पर भी राज्यसभा में बात आई, उस पर मैं समझता हूं कि वो सही दिशा आधार कार्ड का उपयोग होना चाहिए, वाइड स्प्रेड उपयोग होना चाहिए, ज्यादा उपयोग होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है।